अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का योगदान या भारत में अंतरिक्ष शोध का विकास, अपने अपने मोबाइल रख दीजिएगा। भारत में क्या प्रयास किए गए अंतरिक्ष से संबंधित शोध के लिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 1984 की। 1984 के अंदर भारत में सबसे पहले अंतरिक्ष के क्षेत्र का विकास करने के लिए पहली बार प्रयास किया गया और भारतीय वायुसेना के श्री राकेश शर्मा पहली बार सन 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बने, श्री राकेश शर्मा। इन्होंने जिस यान के माध्यम से, जिस उपग्रह के माध्यम से ये जिस यान से गए थे अंतरिक्ष के अंदर, उसका नाम था सोयुज T-11। ये नाम ध्यान रखना आप, जिस यान के माध्यम से ये अंतरिक्ष में गए थे, सोयुज T-11, ये अच्छे तरीके से ध्यान रखना आप, सोयुज T-11। श्री राकेश शर्मा भारत के प्रथम व्यक्ति जो 1984 में पहली बार अंतरिक्ष यात्री बने, सोयुज T-11। सोयुज T-11 लिख दीजिएगा। और ये सोयुज के जिस यान में गए थे उसमें दो अन्य यात्री भी थे, सोवियत संघ के, रूस के। और ये सोयुज 7 स्पेस स्टेशन में लगभग 8 दिन तक वहाँ रहे थे और वहाँ रह करके उन्होंने कई प्रकार के वैज्ञानिक परीक्षण भी किए। पंजाब के रहने वाले थे ये राकेश शर्मा। 1949 में इनका जन्म हुआ था और पंजाब के पटियाला स्थान से बिलोंग करते थे राकेश शर्मा। उनके बाद में एक और शख्सियत है भारत की, कल्पना चावला। नाम सुना होगा आपने। इनका जो जन्म हुआ था वो हरियाणा राज्य में हुआ था, याद रखना, हरियाणा की थी और हरियाणा में इनका जन्म हुआ था, करनाल में, हरियाणा के करनाल नामक स्थान पर कल्पना चावला का जन्म हुआ था 1961 के अंदर, 1961 में। कल्पना चावला एक शोध वैज्ञानिक और प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री थी भारत की और अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला थी ये। भारत में जन्मी हुई प्रथम भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में गई, लिखो, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष में जाने वाली। और राकेश शर्मा के बाद ये दूसरी शख्सियत थी। पहला तो राकेश शर्मा गए, फिर ये कल्पना चावला गई, लेकिन महिलाओं में ये नंबर वन पर थी। और ये जिस यान में गई थी अंतरिक्ष में, उसका नाम था कोलंबिया अंतरिक्ष यान। कोलंबिया अंतरिक्ष यान में ये गई थी और जब ये कोलंबिया अंतरिक्ष यान वापस लौट रहा था तो 2003 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला की उसमें मृत्यु हो गई। इनके साथ में 6 अन्य यात्री भी थे, सब मारे गए। कोलंबिया अंतरिक्ष यान अमेरिका का था जिसमें भारत की प्रथम महिला कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई और ये वापस लौटते वक्त 2003 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसी दुर्घटना में अपने 6 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इसकी भी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके बाद में एक और भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, जिसका नाम है सुनीता विलियम्स। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी, वो भी अंतरिक्ष में गई थी
और अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारत की महिला है। ये भारत के कुछ अंतरिक्ष यात्री रहे हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले, राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। अब देखिएगा, भारत में अंतरिक्ष की गतिविधियों का विकास करने के लिए और अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए नए रिसर्च करने के लिए और शोध करने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही है, उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसरो के बारे में। हेडिंग लगाइएगा इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं 1962 से, 1962 के अंदर भारत के महान वैज्ञानिक हुए हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, इनके नेतृत्व में भारत सरकार ने सबसे पहले, भारत सरकार का जो परमाणु ऊर्जा विभाग था, भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग ने डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के नेतृत्व में 1962 में पहली बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया था या स्थापना की थी 1962 में। तब से लेकर के अब तक भारत के लिए अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 1962 में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के नेतृत्व में भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग ने इसका गठन किया था पहली बार। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का जो पूरा का पूरा श्रेय है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई को दिया जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास करने की जो भूमिका निभाई थी भारत के लिए विक्रम साराभाई ने निभाई थी। विभिन्न उपयोगों के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने कई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए हैं। हमारे भारत के महानतम वैज्ञानिकों ने कई उपग्रह लॉन्च किए हैं। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट, पहले भी हम जान चुके हैं। लिखो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह नाम था आर्यभट्ट। भारत के महान खगोलविद जिन्होंने ये बताया कि पृथ्वी गोल है और ये स्थिर नहीं है, आर्यभट्ट, जिनके नाम पर भारत ने अपना प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम रखा और इसको अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित किया गया। ये जो आर्यभट्ट उपग्रह था इसको कब लॉन्च किया गया? अप्रैल 1975 के अंदर। ध्यान से समझना, याद रखना, रशिया ने 1957 में स्पुतनिक 1 रखा और भारत ने अपना प्रथम उपग्रह लॉन्च किया, कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट के नाम से, कब? अप्रैल 1975 के अंदर। ये भी हमारे भारत की धरती से प्रक्षेप नहीं किया गया और इसको जो पूर्व सोवियत संघ, जिसको हम वर्तमान में रशिया के नाम से, रूस के नाम से जानते हैं, रूस का पहले का नाम था पूर्व सोवियत संघ, सोवियत संघ का एक प्रक्षेपण स्तर है बेकानूर। क्या नाम है? बेकानूर। कई बार परीक्षा में सवाल आता है कि ये जो भारत का प्रथम आर्यभट्ट नाम का कृत्रिम उपग्रह था इसको किस प्रक्षेपण स्थल से लॉन्च किया गया, तो आपको याद रखना है बेकानूर से। और बेकानूर कहाँ पर है? पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ मतलब वर्तमान का रूस, रूस के अंदर बेकानूर नामक उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है जहाँ से हमने हमारा भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया था। और लॉन्च की डेट, महीना और सन था अप्रैल 1975।
तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी है परीक्षा की दृष्टि से। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट अप्रैल 1975 में रूस के बैकानूर प्रक्षेपण स्थल से लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही भारत ऐसा करने वाला दुनिया का छठा देश बन गया था। इससे पहले 5 देश ऐसे थे जिन्होंने अंतरिक्ष में अपने उपग्रह भेजे थे और भारत ये काम करने वाला दुनिया का छठा देश बन गया। इस उपग्रह का जो प्रमुख काम था वो पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना था कि ये धरती का जो वायुमंडल है इसकी सटीक जानकारी उपलब्ध करवाना इसका काम था। और 1975 से लेकर के अब तक भारत ने अपने कई उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं। इनमें कई प्रकार के नाम हैं, जैसे सबसे पहले हमने आर्यभट्ट को तो देख लिया। अब भारत ने जो जो उपग्रह भेजे हैं उसमें से कुछ एक नाम आप लिख सकते हैं, जैसे इसके बाद में मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ। फिर हमने भास्कर को भेजा, भास्कर के बाद एप्पल, ये भी कृत्रिम उपग्रह है, लिखते जाइएगा आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल। उसके बाद इनसेट, इनसेट के बाद में रोहिणी, ये सभी उपग्रह के नाम हैं भारत के द्वारा लॉन्च किए गए आज तक के उपग्रह। रोहिणी, IRS, इंडियन रीजनल सैटेलाइट सिस्टम, IRS और एड्यूसेट, एड्यूसेट ये भी उपग्रह का नाम है, हिमसेट, एड्यूसेट, हिमसेट, कार्टोसेट, कार्टोसेट, रिसोर्सेट, रिसोर्सेट, ओशनसेट, ओशनसेट, जीसेट, चंद्रयान, मंगलयान, ये भारत के प्रमुख उपग्रह है। करंट में हम लोग पढ़ेंगे कि इनको कब कब लॉन्च किया गया करंट के मुद्दों के अंदर। तो आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल, इनसेट, रोहिणी, IRS, एड्यूसेट, हिमसेट, कार्टोसेट, रिसोर्सेट, ओशनसेट, जीसेट, चंद्रयान और मंगलयान, ये भारत के प्रमुख कृत्रिम उपग्रह के नाम हैं। इसे अच्छे तरीके से ध्यान रखना। अंतिम रूप से जो चंद्रयान और मंगलयान जो लॉन्च किए गए हैं, इसको करंट इश्यूज के अंदर हम चर्चा में लेंगे कि कब इनको लॉन्च किया गया, इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था, किस प्रक्षेपण स्थल से इनको लॉन्च किया गया, सफल रहे कि नहीं रहे, कौन सी श्रेणी इसमें है, इन सब चीज़ों की जानकारी हम लोग करंट इश्यूज के अंदर लेंगे। NCERT की इस जानकारी में केवल आपको ध्यान रखना है कि इतने उपग्रह हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। इन सभी उपग्रहों की सहायता से हमें क्या मिलता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है। ये हमारा जो दूरसंचार विभाग है कम्युनिकेशन का, ये पूरा का पूरा दूरसंचार विभाग, प्रसारण जितने भी है, TV के हैं, टेलीफोन के, रेडियो के हैं, मौसम संबंधी जानकारी है, जलवायु की जानकारी है, सुदूर संवेदन के केंद्र है, रिमोट पॉसिबिलिटी के, सेंसिटिविटी के, मानचित्र मैपिंग का जो सिस्टम है, नक्शे वगैरह बनाना, संसाधन का आकलन करना, भौतिक संसाधन, जल संसाधन, मिट्टी, मृदा, वन संसाधन, इन सब का आकलन करना, खनिज संसाधन का आकलन करना, सूखा, अकाल, बाढ़, प्राकृतिक आपदा, तूफान, इन सब की पूर्व में जानकारी अर्जित करना, और सबसे बड़ा जो प्रयोग है वो रक्षा अनुसंधान में है, डिफेंस में, भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी के अंदर रक्षा संबंधी गतिविधियों में हम लोग काम ले रहे हैं। स्ट्रेटजिक और रणनीतिक रूप से भारत अपनी रक्षा करने के लिए भी उपग्रह को काम में लेता है। जैसे कोई पड़ोसी देश की भारत के प्रति क्या गतिविधि चल रही है, भारत के आसपास में कौन कौन से देश अपने रणनीतिक क्षेत्र से सैन्य ठिकाने बना रहे हैं, हमारे जो दुश्मन हैं उनकी क्या रणनीति है, उनकी सेनाओं की चाल और उन सब चीज़ को देखने के लिए हम लोग हमारे उपग्रहों का प्रयोग करते हैं। तो आजकल डिफेंस के क्षेत्र में भी उपग्रहों का जो प्रयोग है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हर राष्ट्र अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी में इसको काम में ले रहे हैं। फिर इसके अलावा भी बहुत सारे सार्वजनिक सेक्टर के अंदर
सरकारी सेवाएं हैं जितने भी, जैसे कोई सर्वे कराना है, किस स्थिति का सर्वे करवाना है, या सार्वजनिक के अलावा राष्ट्र उपयोग के जो काम है उनको सुचारू रूप से संपादन करने के लिए भी उपग्रह को काम में लिया जाने लगा है। अब थोड़ा हम लोग मंगल यान के बारे में थोड़ा सा चर्चा में लेंगे। कक्षा 6 की एनसीईआरटी में मंगल अभियान के बारे में क्या चीजें लिखी गई है वहां तक हम लोग लेंगे। अब हेडिंग लगाइएगा मंगल अभियान। मंगल ग्रह पर रिसर्च करने के लिए भारत के अंतरिक्ष वेताओं ने या वैज्ञानिकों ने क्या अभियान चलाया है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। भारत ने सबसे पहले मंगलयान नामक एक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया था, और इसको लॉन्च किया था नवंबर 2013 में। कब लॉन्च किया था? नवंबर 2013 के अंदर, याद रखना इस चीज को, नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के अंदर हमारा स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में।